तो आज मैं ज्वाइन करने वाला हूँ एक गर्ल्स ओनली सर्वर के अंदर। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना यार, तुम लोग के ना इतने ज्यादा कमेंट आ रहे थे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए कि मेरे चैनल का जो सबसे ज्यादा कमेंट वाला वीडियो है ना वही गर्ल्स ओनली सर्वर का है, वो भी 6000 से ज्यादा कमेंट के साथ। तो यार तुम लोग इतनी रिक्वेस्ट करो और मैं वीडियो ना बनाऊँ, ऐसा हो सकता है क्या? और यार ये सर्वर अभी एक हेडस्टील सर्वर बन चुका है, एंड हेडस्टील का मतलब तो तुम्हें पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो आगे वीडियो में पता चली जाएगा। तो यार मैं इस सर्वर में खेलने वाली दोनों लड़कियों को मार के सर्वर का डी एंड करने वाला हूँ। तो यार देखो, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरी भी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पे इतने ज्यादा कमेंट करना कि अपनी जो पुरानी गर्ल्स ओनली सर्वर वाली वीडियो का रिकॉर्ड है ना वो टूट जाए। तो चलो यार अब जल्दी से ज्वाइन करते हैं सर्वर को। तो गाइस मैं सर्वर के अंदर तो आ चुका हूँ, लेकिन भैंस की टांग में ये नेदर रूफ पे कैसे स्पॉन हो गया? अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा मुझे पता नहीं है। अब अपने को ना एक नेदर पोर्टल देखना पड़ेगा, शायद इन लोगों ने बना के रखा हो। एंड गाइस तुम लोगों को वहाँ पे कुछ तो दिख रहा होगा, चलो यार पास में जाके देखते, पता नहीं क्या चीज है ये, कुछ तो लग रहा है भाई, गोल्ड के ब्लॉक से बना रखा है। एंड ये तो पिगलिन का सिर है और इस पे लिखा हुआ वेलकम टू गर्ल्स ओनली सर्वर। भाई ये कान देखो इसके कैसे मटक रहे हैं। तो रुको, ये नया वाला साइन बोर्ड है, इसको मैं तोड़ लेता हूँ यहाँ से, ऐसी तैसी इन लोगों की। भाई अभी मेरे को ना यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। एंड एक सेकंड गाइस अपन लोग देखते हैं, सर्वर के अंदर अभी दो लड़कियां खेल रही हैं, एक का नाम है ऋषिका और दूसरी का साकुरा। भाई ये नारुतो वाली साकुरा है क्या? और गाइस अगर तुम लोगों ने मेरी पिछली वाली गर्ल्स ओनली सर्वर की वीडियो देखी थी, हाँ मुझे पता है उसे 1 साल हो चुकी है, तुम लोग को उस वीडियो का कुछ भी याद नहीं होगा। बट गाइज मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि ये ऋषि का बहुत पुरानी प्लेयर है, लाइक ये स्टार्टिंग से खेल रही है सर्वर में और अभी तक तो मुझे लग रहा है ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो गई होगी। एंड गाइज तुम लोग देख सकते हो मेरे चिकन लेग पीस बस 3 बचे हुए हैं, भाई मेरे को बिल्कुल स्लो स्लो चलना पड़ेगा वरना मैं तो यहाँ पे ही फंस के मर जाऊंगा। और गाइज तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे साकुरा का मैसेज आ चुका है, ओए ऋषि का देख नया बकरा ज्वाइन हुआ है। अबे भाई मेरे को किसी ने बताया नहीं कि मैं बकरे जैसा दिखता हूँ। और ऋषिका का मैसेज आया, ये तो लड़का है लेकिन। और क्या गाइस, अब तुम लोग सोच रहे होगे ये गर्ल्स ओनली सर्वर की मेरे को आईपी कहां से मिली? तो भाई वो मैंने बहुत जुगाड़ करके निकाली थी, एंड भाई मैंने सर्वर के अंदर आके बहुत ज्यादा धमाचौकड़ी मचाई है। तुम लोग को शायद कुछ भी याद नहीं होगा, एंड मेरे ख्याल से ये ऋषिका को भी कुछ भी याद नहीं है क्योंकि उसने मेरा नेम देख के बिल्कुल ऐसे रिएक्ट किया है जैसे मैं कोई नया ही बंदा हूं। एंड भाई अभी इन लोग की चैट पढ़ते हैं, ये लोग क्या बात कर रहे हैं। तो यहां पे तुम लोग देख सकते हैं साकुरा बोल रही है हेलो ऋषि, उसके बाद में मैसेज किया है मेरा मतलब बकरे। भाई ये लड़कियां ना अजीब ही होती हैं। मैं सर्वर में आया नहीं कि इन लोगों ने मेरी बेइज्जती करना चालू कर दिया, लेकिन सबका बदला लिया जाएगा, बस एक बार ओवरवर्ल्ड में चला जाऊं। और ये ऋषिका क्या बोल रही है, और ये मेरा नेम क्यों कॉपी किया है? भाई मेरा नाम ऋषि है और इसका ऋषिका तो गाइज इन लोग की तो बातें चलती रहेगी, अपने को यहाँ से बाहर निकलने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा वरना मेरे यहाँ पे वाट लगने वाली है। और तुम लोग वहाँ पे देख सकते हो मेरे को एक नेदर पोर्टल दिख रहा है, और गाइज इस नेदर पोर्टल का शेप तो बिल्कुल एल जैसा है। हाँ भाई ये मेरी जिंदगी को डिस्क्राइब कर रहा है, मेरी जिंदगी के भी एल लगे हुए हैं। लेकिन यार यहाँ से बाहर निकलने के लिए तो अपने को एक वर्किंग नेदर पोर्टल ढूंढना पड़ेगा, ये वाले नेदर पोर्टल से कुछ काम नहीं होने वाला। एंड इन लोग का क्या मैसेज आया है, लेकिन छोड़ो वो नेदर से नहीं निकल पाएगा, हाहा लॉल। उबे भाई अब समझा मैं, इन लोगों ने ना ये एक चैलेंज टाइप का बना के रखा हुआ है, मतलब अगर कोई इस चैलेंज को पार करके ओवरवर्ल्ड में आ गया तभी वो इन लोग के साथ खेल पाएगा। अब इन लोगों ने मेरे को चैलेंज दे दिया है तो मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ। और गाइस मैंने चैट में लिख दिया चैलेंज एक्सेप्टेड, अभी अपन लोग जल्दी से यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढते हैं। एंड वेट भाई यहाँ पे तो काऊ है, लेकिन ये हवा में कैसे उड़ रही है भैंस की टांग? भाई हवा में देखो नीचे कोई ब्लॉक भी नहीं है, देखता हूँ इसको मैं मार सकता हूँ या नहीं, क्योंकि मेरे को फूड की बहुत ज्यादा कमी हो रही है। ओके मैंने मार दिया है, मेरे को यहाँ से थोड़ा सा खाना मिल चुका है, एंड अभी इसको मैंने खा के अपने चिकन लेग पीस बढ़ा लिए। एंड गाइस ये तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे थोड़े से ब्लॉक्स है, मैं इनको भी कलेक्ट कर लेता हूँ। भाई यहाँ से जितना भी रिसोर्स मिल रहा है ना अपने को सब कुछ कलेक्ट करना पड़ेगा। और गाइस आगे तो मेरे को वुड एंड कोबल स्टोन भी दिख रहा है, भाई चलो यार थोड़ी सी चीजों का तो जुगाड़ हो जाएगा, मैं क्राफ्टिंग टेबल वगैरह बना पाऊंगा। लेकिन अभी भी मुझे इस नेदर पोर्टल को चालू करने के लिए कुछ सामान नहीं मिला है, मेरे को ऑब्सीडियन ढूंढने पड़ेंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो गाइस तुम लोग देख सकते हो मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल बना ली है, एंड जल्दी से अपन लोग एक पिकेक्स बना लेते हैं वुड की। अभी ये कोबल स्टोन को भी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस तुम लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे 4 बाउल बना लिए हैं, अभी अपने खाने पीने का जुगाड़ हो जाएगा। अगर गाइस तुम लोग प्रो हो तो तुमको पता होगा रेड मशरूम और ब्राउन मशरूम को मिक्स करके अपन खाने की चीज बना सकते हैं, जिसको कुछ स्टू करके बोलते हैं, अभी बना के देखते हैं भाई। तो ओके मैंने यहाँ से बहुत
सारे मशरूम्स कलेक्ट कर लिए हैं। अभी मेरे को उसकी रेसिपी याद नहीं है, रुको जरा ट्राई करके देखता हूँ, शायद ऐसे ही बनाते हैं। हाँ गाइस, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है मशरूम स्ट्यू। ओके, यहाँ पे मैंने इसको बना लिया है एंड इसको खा के देखते हैं अपने कितने चिकन लेग पीस बढ़ते हैं। भाई ये तो बहुत सही है यार, 3 चिकन लेग पीस बढ़ गए। तो अभी अपन लोग भूख की वजह से तो नहीं मरेंगे। एंड अभी मैं इस नेदर रूफ को और एक्सप्लोर करता हूँ। और गाइस तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो अपने सामने तो नेदर रैक भी है। और गाइस ये लोग क्या आलतू फालतू बातें करने में लगे हुए हैं। ये देख भालू, बहुत दिनों से सर्वर को ज्वाइन नहीं किया। अबे नहीं नहीं, ये सब मैं नहीं पढ़ रहा गाइस, फालतू की बातें हैं इन लोग की। अपन लोग अपने काम पे फोकस करते हैं। मैं यहाँ से सारा का सारा नेदर रैक कलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस अभी अपन लोग ना एक नेदर रैक का प्लेटफॉर्म बना देते हैं, क्योंकि इस नेदर रैक के ऊपर मॉब्स स्पॉन होंगे और उन मॉब्स को मार के हम लोगों को और ज्यादा रिसोर्सेस मिल सकते हैं। तो गाइस अभी अपने को वेट करना पड़ेगा, बस यहाँ पे एक आध मॉब स्पॉन हो जाए। मैं थोड़ा सा दूर चला जाता हूँ। मैंने सुना है कि अगर अपन लोग बिल्कुल पास में होते हैं ना तो मॉब स्पॉन होते नहीं है। अगर घास से स्पॉन हो गई ना तो बहुत बढ़िया रहेगा, वो तुम लोग को आगे वीडियो में पता पड़ेगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो गाइस मेरे को यहाँ पे वेट करते हुए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है एंड घास स्पॉन हो गई। भाई लेट्स गो, इसी का तो मैं इंतजार कर रहा था। अभी ये जो घास का फायर चार्ज है ना, मेरे को इसको एम करवाना पड़ेगा ये जो गोल्ड ब्लॉक है अपने इनके ऊपर। फिर ये फायर चार्ज की वजह से ये गोल्ड ब्लॉक टूट जाएंगे एंड इन गोल्ड ब्लॉक को लेके मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अभी वो मैं तुम लोग को आगे दिखाऊंगा, सबसे पहले गोल्ड ब्लॉक लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो घास आ चुकी है। इधर मार, इधर 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 इधर। हेलो भाई लेट्स गो, दूर जाते हैं। एकदम करेक्ट एक्सप्लोजन हुआ होगा भाई, लेट्स गो, एकदम करेक्ट हुआ। और गाइस तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो अपने को मिल चुका है जो अपने को चाहिए था। एंड अभी ये जो सारा का सारा गोल्ड है ना, इसको मैं बना देता हूँ गोल्ड इंगट में। एंड गाइस अगर मैं इन सारे के सारे नेदर एग को वो वाली बायोम में जाके लगाऊंगा जहाँ पे वो गोल्ड डिगर पिगलिन स्पॉन होते हैं, तो मैं उनसे ट्रेड करके ऑब्सीडियन ले सकता हूँ। तो चलो जल्दी से वो वाली बायोम ढूंढते हैं। तो गाइस तुम लोग देख सकते हो मैं आ चुका हूँ नेदर वेस्ट बायोम में। आ क्या चुका हूँ भाई, मैं पहले से ही नेदर वेस्ट बायोम के अंदर था। तो अपन लोग यहीं पे सारे के सारे नेदर एग को लगा लेते हैं एंड भाई बस एक पिगलिन स्पॉन हो जाए अपने को बिल्कुल मजा आ जाएगा, क्योंकि अपने पे है 18 गोल्ड। भाई अपन लोग 18 बार उससे ट्रेड कर सकते हैं। और मुझे अपनी हेल्थ का भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत गंदा मारते हैं। ओबे भाई मैं फूड बना रहा था और इतने में ही वो स्पॉन भी हो गया, भैंस की टांग। भाई किस्मत हो तो मेरे जैसी। अभी यार इसके ना पास में जाता हूँ मैं एंड इससे ट्रेडिंग करता हूँ। गाइस तुम लोग देख सकते हो ये ट्रेड करना चालू कर दिया है। बस गाइस ये अपने को ऑब्सीडियन शेयर कर दे, एकदम मजा आ जाएगा। तो मैं सारे के सारे गोल्ड इसको यहीं पे फेंक देता हूँ, ये एक एक करके उठाता जाएगा। अबे भाई कोई तो स्पॉन हुआ। अबे ये स्केलेटन क्यों आ गया भाई, स्केलेटन को तो रोको पेल देता हूँ मैं। अबे नहीं नहीं भाई नहीं, प्लीज 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 नहीं, प्लीज नहीं प्लीज, तुम गोल्ड से ट्रेड करो ब्रो, तुम गोल्ड से ट्रेड करो। अबे यार अबे एक और भाई स्पॉन होने का वेट करना पड़ेगा, ये स्केलेटन साला नल्ला। एक सेकंड गाइस, भाई एक और आ गया, लेट्स गो। भाई देखो यार क्राइंग ऑक्सीडियन दे रहा है, मेरे को नॉर्मल ऑक्सीडियन चाहिए। भाई मैंने सच कह रहा हूँ, सुना था कि ये जो पिघले नए फालतू सामान देते हैं, अब देख भी लिया भाई सारा का सारा ही फालतू सामान दे रहे हैं ये मेरे को। ओ भाई ऑक्सीडियन दे दी इसने, लेट्स गो। एंड भाई वहाँ पे भी ऑक्सीडियन डले हुए हैं। एंड गाइस तुम लोग देख सकते हो मेरे को टोटल में 7 ऑक्सीडियन मिल चुके हैं। एंड गाइस अभी अपन लोग फाइनली ये नेदर पोर्टल कंप्लीट कर पाएंगे एंड मेरे पास फायर चार्ज भी है, तो मैं इस नेदर पोर्टल को स्टार्ट भी कर सकता हूँ। ओके भाई स्टार्ट हो गया, अभी मैं यहाँ से ओवर वर्ल्ड में चलता हूँ। तो गाइस मैं ओवर वर्ल्ड के अंदर आ चुका हूँ एंड भैंस की टांग भाई क्या ही प्रोग्रेस कर ली भाई इन लोगों ने इस सर्वर के अंदर। लग ही नहीं रहा कि ये वही पुराना वाला गर्ल्स ओनली सर्वर है। भाई ये देखो कितने सारे बिल्ड बना लिए एंड भाई ये देखो ये क्या ही पेड़ बना रखा है इन लोगों ने, इतना बड़ा पेड़। सच में यार बिल्डिंग स्किल्स तो बहुत ज्यादा तगड़ी हो चुकी है उन लड़कियों की। एंड भाई ये तो ब्राउन पांडा है, अगर तुम लोग को माइनक्राफ्ट की नॉलेज है तो भाई तुम्हें पता होगा ये बहुत ज्यादा रेयर चीज है। और भाई देखो यार ये कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है, इसका नाम क्या है? ओह किसी ने कुछ नहीं देखा भाई। तो गाइस अभी अपन लोग इस सर्वर को एक्सप्लोर करते हैं एंड भाई ये देखो क्या हॉरर सी फील आ रही है इस चीज को देख के। यहाँ पे कोई फार्म वगैरह बना हुआ है, मैं जाके देखता हूँ अंदर, मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा सामान चाहिए। ओके गाइस यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं, ओनर एट। भाई मुझे थोड़ा सा ना डाउट हो रहा है, क्या पता इन लोगों ने यहाँ पे कोई ट्रैप वगैरह बना के रखा हो किसी नए बंदे को फंसाने के लिए। बट अब क्या ही कर सकते हैं, अपने पे एक ही क्लू है इन लोग को ढूंढने का। तो चलो यार इन कोऑर्डिनेट्स पे चलते हैं। तो गाइस अभी मैं ना इसके अंदर जाके देखता हूँ, पता नहीं ये क्या चीज है अंदर, तो भाई कुछ बड़ा सा लग रहा है। यहाँ से मेरे को कुछ रिसोर्स वगैरह मिल जाए, यहाँ पे शल्कर बॉक्स है लेकिन ये खाली क्यों है भाई। ओके यहाँ पे बहुत सारा आयरन है तो मैं यहाँ से आयरन ले लेता हूँ। व्हाट द हेक भाई, यहाँ पे तो एक तगड़ी सी पिकैक्स है। भाई यहाँ पे बस हेलमेट क्यों रखा हुआ है, बाकी का सामान कहाँ है? और यहाँ पे तो 3 एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल भी है तो मैं इसको भी ले लेता हूँ। एंड गाइस देखो इन लड़कियों ने यहाँ पे तो पूरा का पूरा फार्म बना के रखा हुआ है, देखो कितना ज्यादा एडवांस है। इस साइड भी उस साइड भी सारी की सारी साइड बस फार्म ही फार्म है। गाइस मुझे अभी फूड का बंदोबस्त करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से ही सारी
25 कैरेट ले लेता हूँ। गाइस तुम लोग ना मेरे को कमेंट करके बताना क्या तुम लोगों ने कभी किसी गर्ल्स ओनली सर्वर को ज्वाइन किया है। तो गाइस तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं उस कोऑर्डिनेट पे आ चुका हूँ और भाई यहाँ पे तो किसी का बेस है। लेट्स गो, अभी अपन लोग उसके पास में जाके देखते हैं, क्या पता यहाँ पे अपने को कोई प्लेयर मिल जाए। ओके गाइस यहाँ पे एक चेस्ट रखी हुई है, चलो यार उसको चेक करते हैं इसके अंदर क्या क्या सामान है। यहाँ से मैंने थोड़ा सा सामान ले लिया है एंड जल्दी से मैं एक चेस्ट प्लेट भी पहन लेता हूँ। एक सेकंड गाइस, वो देखो वहाँ पे कोई लड़की है भाई। तो गाइस अभी मैं इसके पास में जाके देखता हूँ, मुझे लग रहा है ये AFK है और ऑटो क्लिकर वगैरह कुछ लगा के गई है क्योंकि यहाँ पे बार बार क्लिक हो रहा है। ये वो है XP फार्म, तुम लोग को पता होगा बहुत ज्यादा फेमस डिजाइन है ये XP फार्म का। गाइस मैं ना इसके थोड़े से पास में जाता हूँ, अभी कंफर्म हो जाएगा ये AFK है या नहीं। तो गाइस तुम लोग, अबे भैंस की ये कैसी स्किन है भाई, मेरे को सच में ऐसा लगा ये इस साइड से मेरे को देख रही है। गाइस इसकी स्किन तो बहुत ज्यादा मस्त है लेकिन इसकी स्किन की वजह से मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरे पास बहुत तगड़ी XP है, क्यों ना इसको यहीं पे पेल दिया जाए। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड भाई, इसके खून का अपराध मैं अपने सर पे क्यों लूं? मैं एक काम करता हूँ, ऋषिका की और इसकी लड़ाई करा देता हूँ। अब तुम लोग सोचोगे कि लड़ाई कैसे कराऊंगा, वो बस तुम देखते जाओ। भाई तुम लोग को याद होगा कि सर्वर के स्पॉन पे अपने को एक पेट मिला था जिसका नाम पांडू था, उस पांडू को अपन लोग बकरा बनाने वाले हैं। तो चलो यार मैं जल्दी से उस पांडू को लेके आता हूँ और तुम लोग समझ ही गए होगे कि आगे क्या होने वाला है। तो गाइस तुम लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ एंड भाई अभी इसको जल्दी से लेके चलते हैं। भाई पांडा को ट्रेवल कराना ना बड़ा मुश्किल होता है। अगर तुम लोगों ने कभी माइनक्राफ्ट को सर्वाइवल में खेला है ना तो तुम्हें यार पता होगा। तो मैं यहाँ से बैम्बू उठा लेता हूँ क्योंकि यार एक बैम्बू ही है अकेली चीज जिसकी मदद से अपन लोग इस पांडा को ट्रेवल करा सकते हैं। आजा भाई पांडू। तो गाइस तुम लोग देख सकते हो मैंने इसे बोट में बिठा लिया है, अभी मैं थोड़ा सा इसको जल्दी लेके जा पाऊंगा। तो गाइस मैं ना तुम्हें उस लोकेशन पे पहुंच के मिलता हूँ। भाई सही बता रहा हूँ, इस पांडा को इधर लेके आने में ना मेरी हालत टाइट हो गई। तुम लोग देख सकते हो मैं आ चुका हूँ इस बेस के पास में और वो जो लड़की थी वो उधर ही AFK है। तो गाइस मैं XP फार्म के पास में आ चुका हूँ और वो लड़की अभी भी AFK है। भाई इसको होश ही नहीं आ रहा, सही कह रहा हूँ भाई, ऐसी कितनी XP कलेक्ट करेगी ये? पता नहीं यार, इतनी ज्यादा ग्राइंडिंग तो मैंने आज तक नहीं करी बट इसकी ग्राइंडिंग की वाट लगने वाली है। एंड अभी मुझे कुछ नहीं करना, बस इसके सामने इस पांडा को लेके आ जाना है एंड मैं ना ऊपर से बंद कर देता हूँ वरना ऊपर से अगर कोई मॉब आ गया तो समझ रहे हो ना वाट लग जाएगी। तो यहाँ पे स्लैब लगा देते हैं जिससे ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा और बिल्कुल एम पांडा के ऊपर ही रहेगा। आजा आजा आजा, चल ले चल ले चल ले पिला पांडा, लेट्स गो भाई। और गाइस तुम लोग यहाँ पे चैट में देख सकते हो मैसेज आ चुका है, पांडू वॉज किल्ड बाय साकुरा। तो गाइस मैं जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ क्योंकि अभी वो ऋषिका भी इधर ही आने वाली होगी, बिकॉज यार ये सर्वर का पेट था। और गाइस तुम लोग यहाँ पे चैट में देख सकते हो उसका मैसेज आ चुका है, व्हाट, क्या ये मेरा पांडू है? तो भाई अभी वो जल्दी से आने वाली होगी, मैं अपनी लोकेशन ले लेता हूँ, मैं इस टावर के ऊपर चढ़ जाता हूँ। तो गाइस तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो ऋषिका का मैसेज आ चुका है, रुक तू स्पॉन पर नहीं है ना, तेरे बेस पर आती हूँ, आज तो तू गई। भाई साहब ऋषिका इसके स्पॉन पर आ रही है और गंदी वाली लड़ाई होने वाली है। एंड अभी तक ये साकुरा भाई AFK से वापस नहीं आई, इसको बहुत देर हो गई। वो आ गई, आ गई गाइस, इसने आर्मर पहन लिया है, इसके पास तो भाई टोटम भी है। गाइस इसका चैट में मैसेज आया, वेट व्हाट, भाई इसको शॉक लगा ये देख के कि इसका XP फार्म टूट गया है, ये क्या हुआ। और ये ऋषिका से पूछ रही है, क्या बोल रही है? और गाइस ये ऋषिका क्या बोल रही है, अब अनजान मत बन। गाइस मैं तुम लोग को बता दूं ये ऋषिका ना बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाली है, इसको किसी की भी बात पे यकीन नहीं होता है। और देखो साकुरा बोल रही है मैंने नहीं किया, मेरे को ये पता है कि ये बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी साकुरा का। ओ भाई तब ये तो आ गई और सीधे आके लड़ने लगी। भाई इसकी सोर्ड कितनी ज्यादा तगड़ी है, भाई इसके पास पूरा का पूरा नेदरराइट का आर्मर है। और ये साकुरा बोल रही है वेट, क्या हुआ भाई, इसको तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, ये टेलीपोर्ट कर गई, पता नहीं कहाँ पे टेलीपोर्ट करके गई है। ओ वापस आ गई लड़ने के लिए, शायद हेल्थ बढ़ाने के लिए गई थी अपनी। और गाइस तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो वो रुक गई है, मेरे को लग रहा है वो चैट में कुछ ना कुछ टाइप कर रही है। और हाँ देखो इसका मैसेज आ चुका है, तूने मेरे पांडू को क्यों मारा? और साकुरा बोल रही मैंने कहा मारा, मैं तो AFK थी। भाई मेरे को नहीं लगता कि ऋषिका इस पे यकीन करने वाली है। और भाई अबे ये तो आग में घी डाल रही है, फालतू में क्यों उसको हिट कर रही है? और ये ऋषिका बोल रही है वो बहुत ही प्यारा था मेरा। साकुरा का मैसेज है, अबे पागल है क्या, पागल औरत बोल दिया यार, अब तो मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ तगड़ा होने वाला है। अगर तुम लोग को जानना है कि क्या तगड़ा होगा तो किसी लड़की को पागल औरत बोल के देखना, पता पड़ जाएगा। फिर से कुछ बढ़िया बढ़िया शब्द आ चुके हैं हमारी चैट में लेकिन मैं क्या करूं, पढ़ नहीं सकता हूं। और गाइस तुम लोग देख सकते हो साकुरा ने भी अपना वेपन निकाल दिया इसको पेलने के लिए। एंड यहां से मुझे थोड़ा सा कम दिख रहा है, रुको यार थोड़ा नीचे जाके देखते हैं, अच्छा व्यू आएगा। और भाई देखो क्या क्रिटिकल हिट्स पड़ रहे हैं, भाई दोनों लोग एक दूसरे को तगड़े तगड़े हिट दे रहे हैं। लेट्स गो, इनको लड़ने दो, अब इन दोनों में से कोई एक ना एक तो मरेगा यहाँ पे। गाइस ये देखो ये TNT से मारने की कोशिश कर रही है, उसने उड़ा दिया भाई, ऋषिका को उड़ा दिया। भाई साकुरा प्रो है, भले उसके पास डायमंड का आर्मर है लेकिन वो प्रो है। 2000 years later. गाइस इन दोनों को लड़ते लड़ते इतनी देर हो चुकी है, सच में लड़कियां नूब होती हैं, खेलना करना आता नहीं है इनसे, एक PVP भी नहीं हो रही। दोनों में से एक भी किसी को नहीं मार पा रहा है, दोनों की दोनों नूब है भाई। गाइस तुम लोग देख सकते हो उसकी चेस्ट प्लेट टूट चुकी है भाई, क्योंकि यार डायमंड की चेस्ट प्लेट नेदरराइट से कमजोर होती है और इन लोग की
बहुत देर से फाइट हो रही है। ओ भाई अबे फंस गई ये, TNT में फंस गई। लॉल भाई टोटम फट गया इसका, अब ये मर जाएगी। गाइस तुम लोग देख सकते हो ये ऋषिका ने उसको मार दिया है और उसका सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। मेरे को ये सामान चाहिए, जल्दी से ऋषिका यहाँ से निकले फिर मैं ये सारा का सारा सामान ले लूं। क्योंकि यार तुम लोग देख सकते हो अभी मेरे पास आर्मर नहीं है, तो मेरे को यार सामान तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी मैं ये ऋषिका को भी मार पाऊंगा और फिर इस सर्वर के ऊपर अपना ही कब्जा होगा। और गाइस ये ऋषिका ने क्या मैसेज किया है, मेरे प्यारे पांडू को मारा, तेरा सामान भी गया। भैंस की टांग, देखो यार इसने TNT रख दिया और पूरा सामान फोड़ रही है। भाई गधी क्या है भाई ये, सच में यार पागल है, इसने पूरा का पूरा सामान तोड़ दिया और मुझे लग रहा है बेस भी फोड़ रही है। भाई पूरे खेत में TNT लगा दी है इसने, यार ये लड़की तो पागल है यार। भाई अब तो यार इसने पूरा का पूरा बेस भी तोड़ दिया। और गाइस अभी ये साकुरा वापस रिस्पॉन भी नहीं हो सकती क्योंकि उसका हेड तो ये ऋषिका के पास में है। और गाइस मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो उसे वापस से जिंदा करने वाली है। और भाई उसके जिंदा करने से पहले मुझे ऋषिका को भी मारना पड़ेगा, तभी मैं इस सर्वर को पूरा का पूरा एंड कर पाऊंगा। और गाइस तुम देखो भाई ये लड़की कितनी ज्यादा पागल है, पूरे बेस को भी ये फोड़ रही है। भाई मतलब इतना ज्यादा पागल कौन होता है एक पेट के लिए। और गाइस देखो चैट में कैसे हंस रही है पागल होगी तरह। और भाई देखो क्या बोल रही है, बदला पूरा। और ये गई कहां, शायद जा चुकी है। और गाइस यहां पे थोड़े से TNT बच गए हैं, इनको मैं ले लूंगा, ये मेरे काम में आ सकते हैं। अभी अपन लोग नीचे चलते हैं, शायद से ये यहां से जा चुकी है। लेट्स गो भाई TNT। अबे भैंस की टांग ये कहीं नहीं है भाई, यहीं पे ही है। वो बच गया यार, मेरे को ये देख लेती तो मेरी ऐसी तैसी हो जाती। अबे गधी है क्या, एक नंबर की बेवकूफ लड़की। भाई TNT जो बच गए थे उनको फोड़ने के लिए आ गई। अबे यार सारे के सारे TNT फोड़ दिए इसने, मतलब यार वो जो TNT बचे हुए थे उनके बचे रहने से भी इसको पता नहीं कुछ दिक्कत हो रही थी। और गाइस अभी मैं इस पूरे टूटे हुए बेस की तलाशी लेता हूँ, जैसे बिल्कुल CID में लेते हैं एकदम अच्छे से, क्या पता मुझे कुछ सामान मिल जाए काम का। एंड गाइस ये क्या चीज है, रुको अंदर जाके देखते हैं। भाई यहाँ पे तो बहुत सारी चेस्ट रखी हुई है, कोबलस्टोन। अरे अच्छा भाई ये पूरा का पूरा इनका सॉर्टिंग सिस्टम है। तो गाइस यहाँ पे मैं चेस्ट के अंदर देखता, क्या पता कुछ अच्छा सामान मिल जाए मुझे। भाई इधर तो कुछ, अबे अबे भाई क्रीपर कैसे आ गया यहाँ पे, इसकी ऐसी की तैसी। भाई यहाँ पे तो टॉर्च वगैरह भी लगी हुई है फिर भी क्रीपर आ गया। माइनक्राफ्ट में कतई सस्ते नशे हो रहे हैं यार। अबे ये क्या चीज है भाई, यहाँ पे तो सल्कर बॉक्स रखा हुआ है। एक सेकंड, इसके अंदर कुछ तगड़ा सा सामान है, जरा खोल के देखता हूँ मैं। भाई सब यहाँ पे तो तगड़ा सा सामान है। गाइस शायद से ये साकुरा का सल्कर बॉक्स है, मैं यहाँ से सब कुछ निकाल लेता हूँ भाई। तो गाइस मैंने इस सल्कर बॉक्स के अंदर से जो कुछ भी मेरे काम का सामान था ना वो मैंने ले लिया है। और गाइस अब मैं इस ऋषिका की ऐसी तैसी कर सकता हूँ। तो गाइस अभी मैं चलता हूँ ऋषिका के बेस पे और वहाँ पे जाके अपन लोग एक बढ़िया सा ट्रैप सेटअप करते हैं, क्योंकि यार ऐसे हैंड टू हैंड फाइट लेने में तो बहुत ज्यादा रिस्क होता है। अपन सबसे पहले एक ट्रैप सेटअप करेंगे एंड उस ट्रैप की मदद से उसकी हेल्थ कम करेंगे एंड फिर उसको मारेंगे। ये बहुत बढ़िया प्लान लग रहा है मुझे। तो गाइस अभी मैं जाके ऋषिका को ढूंढता हूँ, उससे पहले अपनी हेल्थ बढ़ा लेते हैं। लेकिन एक सेकंड गाइस, भाई ये किसका घर है पिंक कलर का, वैसे लग तो बढ़िया रहा है देखने में। रुको यार मैं पास जाके देखता हूँ, पता नहीं किसका घर है। वैसे बगल में बना रखा है, हो सकता है साकुरा का ही घर हो, उसने बेस से थोड़ा अलग बनाया हो। अपन पास में जाके देखते, क्या पता इस घर के अंदर से मेरे को सामान मिल जाए। अबे ये ऋषिका यहाँ पे क्या कर रही है, भैंस की टांग। भाई ये वाले घर को भी उड़ाने के लिए आई है, शायद ये साकुरा का घर है इसलिए। मैं F3 कर लेता हूँ भाई, वरना वो मेरे को देख लेगी और मेरी वाट लग जाएगी। गाइस तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो ऋषिका कहीं तो जा रही है। ओके ये पानी के अंदर से ओके जा रही है, बस ये पीछे ना देखे, मैं फिर भी थोड़ा सा पीछे ही रहूंगा। ओके तो ये चली गई। अभी मैं जाता हूँ इस घर के अंदर और चेक करता हूँ भाई इस घर के अंदर, क्या पता अपने को कुछ सामान मिल जाए। पता नहीं भाई उसको शायद ये वाला घर ज्यादा अच्छा लग रहा होगा इसीलिए उसने फोड़ा नहीं। भैंस की टांग, ऋषिकाज मेंशन। भाई ये साकुरा का घर था और उसने अपना बोल्ड लगा लिया, साकुरा तो मर गई ना अब, तो इसने अपना घर बना लिया इसको। तो गाइस अभी मुझे इस घर के अंदर एक ट्रैप बनाना पड़ेगा जिसकी हेल्प से मैं वो ऋषिका को इजीली मार पाऊं। तो सबसे पहले मैं एक गड्ढा खोदता हूं जिसकी गहराई बिल्कुल वॉइड तक होगी। तो गाइस मैंने बिल्कुल वॉइड तक गड्ढा कर लिया है, अभी अपन लोग ऊपर चलते हैं और इस ट्रैप को अच्छे से सेटअप करते हैं। तो ओके गाइस मैं ऊपर आ चुका हूँ और इस वाले सल्कर बॉक्स के अंदर मेरे को TNT भी मिले थे, तो यहाँ पे अपन लोग TNT लगा देते हैं। और इसके ऊपर भाई मैं लगाने वाला हूँ ग्रेवल। तुम लोग समझ गए होगे बहुत ज्यादा बेसिक ट्रैप है, बहुत सारे लोगों को तो पता भी होगा। तो ऐसा है, अगर ऋषिका वहां से आएगी और उसने गलती से इसके ऊपर पांव रख दिया तो वो नीचे गिर जाएगी और भाई अपना प्लान कामयाब हो जाएगा, क्योंकि ये TNT भी फटेगा और ऊपर से वो नीचे भी गिरेगी, तो फिर तो भाई वो पक्का मर जाएगी। तो गाइस अभी यहाँ पे बैकअप के लिए मैं एक ट्रैप बना देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसके अंदर वो फंसेगी या नहीं। अगर वो प्रो होगी तो हो भी सकता है ना फंसे, इसीलिए अपन लोग बैकअप रखने वाले हैं एक अपने पास। तो यहाँ पे मैंने रेल लगा दी है, अभी मैं थोड़े से ना माइनक्राफ्ट विद TNT बना लेता हूँ। एंड भाई तुम लोग गैस कर सकते हो कितना तगड़ा वाला धमाका होने वाला है इसके बाद। तो ओके गाइस मैं यहाँ पे सारे के सारे TNT विद माइनक्राफ्ट प्लेस कर देता हूँ। तो इन टोटल मैंने यहाँ पे 20 से ज्यादा TNT विद माइनक्राफ्ट प्लेस कर दिए हैं भाई, अब ये बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका है। तो गाइस मैंने दोनों ट्रैप सेटअप कर दिए हैं और भाई
ये वाला ट्रैप जो है ना बहुत ज्यादा तगड़ा है, तो मैं आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। अभी ना मैं ऊपर जाके छुप जाता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऋषिका मुझे देख ले। अगर उसे बिल्कुल भी पता लगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है तो फिर भाई वो इधर नहीं आएगी और गलत ही सीन हो जाएगा। तो गाइस मैंने यहाँ ऊपर के ब्लॉक तोड़ दिए हैं जिससे मेरे को दिखता रहे कि वो ट्रैप के अंदर गिरी है या नहीं। अभी यहाँ पे अपन लोग वेट करते हैं उसके आने का। तो गाइस तुम लोग देख सकते हो ऋषिका आ रही है और भाई साहब उसको शायद कोई भनकने लगी है अभी कि मैं यहाँ पे हूँ। मैं इधर छुपा रहता हूँ, देखते हैं क्या वो ट्रैप के अंदर गिरेगी या नहीं। अबे शिट भाई उसने ट्रैप देख लिया, व्हाट द हेक गाइस। अभी मेरे को नीचे जाना पड़ेगा इसकी ऐसी तैसी। ओ भैंस की टांग गाइस, ये देखो ऊपर भाई इतने ऊपर से गिरी है। ओ शिट भाई साहब देखो यार एक शॉट में खत्म कर दिया क्योंकि ये इतने ऊपर से गिरी थी और भाई ये वाली शॉट कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। भाई ये क्या बोल रही, व्हाट, मैं हाफ हार्ट पे थी, नूबड़े नूब बोल रही है भाई। पहली बात तो इसके पास कितना सारा सामान है। तो गाइस तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास उन दोनों के हेड आ चुके हैं। वो दोनों देखो स्पेक्टेटर के अंदर चली गई है, अभी वो मेरे को देख रही होंगी। अगर तुम लोगों ने कभी भी हेड स्टील खेला है तो तुम्हें पता होगा अगर हम किसी को भी मारते हैं तो वो स्पेक्टेटर में चला जाता है। और ये ऋषिका क्या बोल रही है, प्लेस कर दे मेरा हेड चुपचाप। एंड गाइस साकुरा का मैसेज आया है, प्लीज ऋषि मेरा हेड प्लेस कर दो। भाई दोनों की दोनों ही भीख मांग रही है बिल्कुल हेड प्लेस करने की, लेकिन मैं हेड नहीं प्लेस करने वाला हूँ गाइस। और ये देखो चैट में क्या बोल रही है, कर दे नहीं तो तू वीडियो कैसे बनाएगा। देखो भाई मेरे को वीडियो की धमकी दे रही है, मेरे को जितना कंटेंट निकालना था ना मैंने उतना निकाल लिया है। अभी मैं किसी और गर्ल्स ओनली सर्वर के अंदर जाऊंगा अगर मेरे को जाना होगा तो। गाइस अभी इस सर्वर का डी एंड करने का टाइम आ चुका है। एक टीएनटी मैं इधर लगाऊंगा, एक इधर और एक इधर। एंड गाइस बीच में इनका हेड डाल देता हूँ। भाई देखो चैट में क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं प्लीज, पागल है क्या। एंड गाइस मुझे ये जो बो मिली थी इस पे फ्लेम लगा हुआ है। एंड 1 2 3 भाई खत्म, इन लोगों के हेड खत्म। यार फाइनली मैंने इस सर्वर का दी एंड कर दिया है। तो फिर यार मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वाली वीडियो में, तब तक तुम लोग स्क्रीन पे क्लिक करो और मेरी लास्ट वीडियो देख के आओ। हुई हुई।